किया जाता है, राहुल कमल शैला रसिक से बात करता है कि जब मोदी जी एक गांव एक मंदिर एक कुएं की बात करते हैं, जब संघ इस चीज की बात करता है, ये सबके साथ की बात करते हैं, तो शैला को क्यों ऐतराज है बार बार मोदी से और संघ से, या फिर सिर्फ उसे मोदी और संघ से प्रॉब्लम है इसलिए ये ऐतराज लेती है, जब सबकी बात हो रही है तो क्यों शैला ऐतराज कर रही है। तो इसमें पहले शैला बोलती है कि हमने तो जात पात की, अब सुनना, इसने पहला शब्द ये बोला कि हमने तो जात पात की शुरुआत ही नहीं की है, मतलब कि शैला और इन लोगों की टीम जो है, इन लोगों ने जात पात की शुरुआत नहीं की है। ठीक है, मान लेते तुमने जात पात की शुरुआत नहीं की है, पर जिनकी तुम गोद में जाके बैठे हो ना, नेहरू गांधी परिवार, जात पात की शुरुआत इन लोगों ने की थी, 70 साल से जात पात इन लोगों ने किया है। फिर ये शैला रशीद ने बोला कि महिलाएं पार्लियामेंट में 10-15% से ज्यादा नहीं है, क्यों? जब इसको सवाल पूछा गया था कुछ और, अब ये जवाब कुछ और दे रही है इस सवाल में, इनकी बुद्धिमता भी इसमें, इनका जो बुद्धि का विकास कितना हुआ है वो भी इसमें पता चलता है कि इनको सवाल कुछ और पूछे जाते हैं, ये जवाब कुछ और देते हैं। सवाल का जवाब तो ये कतई नहीं देंगे, पर ये उम्मीद करते हैं कि ये जो सवाल करे उसके जवाब सामने वाला दे। एनीवेज, मैं आज इनके भी सवाल के जवाब दूंगी। इनको जो इसने फिर 10-15% महिला पार्लियामेंट में उसकी बात कही, और उसी बात को इसने आगे बढ़ाते हुए कहा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल क्यों नहीं है, क्यों नहीं लाया जा रहा है पार्लियामेंट में, और इसमें ये कहती है कि 15% रिजर्वेशन मुस्लिम महिलाओं को मिलना चाहिए पार्लियामेंट में। आई अगेन रिपीट, ये बात इस बंदी ने बोली है कि पार्लियामेंट में मुस्लिम महिलाओं को 15% रिजर्वेशन मिलना चाहिए देश की पार्लियामेंट में। इन लोगों का मन नहीं भरा है, खैर मैं आगे बताती हूँ। तो इस बंदी को मैं ये जवाब दे दूं, इसने जो महिला वाली बात करी है, जात पात की शुरुआत में इसने जो बात करी उसमें इसके दूसरे पॉइंट पे समझ में आ रहा है कि ये कितना जात पात की राजनीति करती है कि ये 15% मुस्लिम महिलाओं के लिए पार्लियामेंट में आरक्षण मांग रही है। बेटा तुझे है ना, तेरी अम्मा हूं मैं इस चीज में, और शैला रशीद तुझे ऐसा लगता है कि तू जात पात नहीं कर रही तो तू जात पात ही कर रही है, अगर तुझे आरक्षण की बात करती तो तुम पूरी हिंदुस्तान की महिलाओं की बात करती, सिर्फ मात्र मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं करती। और इस बंदी को मैं समझा दूं कि 15% रिजर्वेशन मुस्लिम महिलाओं को मिलना, पहले तुम ये तो सोच लो कि तुमने मुस्लिम महिलाओं को क्या हक दिलाया है। ट्रिपल तलाक वाले मुद्दे पे बोला, वो अटका हुआ है बिल राज्यसभा में, तुम उसमें कुछ नहीं बोली। मुस्लिम लड़कियों को बकायदा हज सब्सिडी बंद कर मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन में वो पैसा लगाने का भी डिसीजन मोदी सरकार ने लिया है। जितना मुस्लिम औरतों के लिए मोदी सरकार ने किया है वो किसी ने नहीं किया है, इसलिए ये बात तो कतई स्वीकार नहीं होगी। हम 70 साल से भुगत रहे हैं ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स, एसटी एससी ओबीसी पॉलिटिक्स, और अब तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मुस्लिम महिलाओं का तुम पॉलिटिक्स लेके आ जाओगी पार्लियामेंट में और हम चला लेंगे, तो ये तो मैं कतई नहीं चलाऊंगी। और मैं तो क्या, हमारे जैसा कोई इंसान इस हिंदुस्तान के जो भी नागरिक है वो कोई ये चीज नहीं चलाएंगे। और मोर ओवर, एक महिला होने के नाते मुझे नहीं लगता कि किसी भी महिलाओं को आरक्षण की जरूरत है, अगर वो सशक्त है तो हमारे देश में उदाहरण है सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, हमारी डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ये लोग सब अपने दम पर अपने बलबूते पर पार्लियामेंट तक पहुंचे और हमारे देश की मिनिस्ट्री इनके पास में है, सबसे प्रमुख मेन मिनिस्ट्रीज जो होती है वो इनके पास में है। तो महिलाओं को किसी आरक्षण की जरूरत नहीं, महिला सशक्त है अपने आप में। तो ये जो भीख की जो लाइन लगी हुई है ना, इस लाइन में महिलाओं को तो कतई मत लगाना। और सिर्फ अगर मुस्लिम महिला की बात करी तो मेरे जैसी हजारों लड़कियां सड़क पर उतर आएगी, तुम्हारी ये बात तो कतई होने नहीं दूंगी मैं। फिर तुमने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करते हुए ये कहा कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तुमने नहीं करी, इनफैक्ट तुमने निर्भया कांड का इसमें एग्जाम्पल दिया कि निर्भया के लिए प्रोटेस्ट, जो निर्भया कांड हुआ था उसमें तुम लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे, और प्रोटेस्ट करते वक्त तुमने निर्भया की जाति या धर्म नहीं देखा था, उस लड़की के साथ जो अन्याय हुआ तुमने वो देखा था। और उसके बाद ये बहन तुरंत ही जो बोल रही है नाती जाति की बात कर रही है और निर्भया का एग्जाम्पल देती है, और फिर ये क्या एग्जाम्पल देती है कि अभी जम्मू एंड कश्मीर में जनवरी में, इसको तो ढंग से याद भी नहीं कि कौन लड़की थी, क्या मैटर हुआ था, हवा में ये वहां पे बैठकर इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच पर बैठकर ये बंदी हवा में बात करती है कि एक मुस्लिम लड़की जिसकी उम्र 8 साल थी उसके साथ एक हिंदू लड़के ने बलात्कार किया, और एक मिनिस्टर ने, भाजपा के किसी मिनिस्टर ने, आई थिंक पीडीपी के किसी मिनिस्टर ने उस पर गलत बयान दिया। तो बहन पहले तो तुम ये ना बरगलाना बिल्कुल बंद करो, और मैं कोई दूसरी मीडिया हाउस की तो बात ही नहीं कर रही, तुम्हारी जो सगी माँ है ना एनडीटीवी, वो तुम्हारी सगी माँ है। एनडीटीवी की रिपोर्ट मैं तुम्हें बता दूं
कि उस लड़की का नाम आशिफा बानो था जो जम्मू एंड कश्मीर की कथुआ डिस्ट्रिक्ट की थी। उस लड़की के साथ जिसने बलात्कार किया वहां के लोगों ने, इनफैक्ट पुलिस भी तफ्तीश नहीं कर रही, वहां के लोगों ने कहा कि जिस बंदे ने बलात्कार किया है वो एक अनआइडेंटिफाई इंसान है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि उसको कोई नहीं जानता है वो कौन से धर्म से है, कौन से समुदाय से है, वो क्या करता है, वो कहां से आया। जिसने भी ये किया वो अनआइडेंटिफाई है और ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है। दोस्तों मैं चाहती हूं कि आप ये एनडीटीवी की रिपोर्ट गूगल में जाके पढ़े, आशिफा बानो आप केस टाइप करना तब आपको ये चीज पता चलेगी। तो ये जो भद्दे दिमाग की भद्दी लड़की है जो मंच पे आके 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होने का इल्जाम किसी हिंदू लड़के पे डाल रही है और लगता है इसको कि ये झूठ बोल के, एक नंबर के झूठे और फ्रॉड है ये कम्युनिस्ट लोग और इनको लगता है कि ये झूठ बोल के निकल जाएंगे। खैर उसको छोड़, ये बता हफ्ते भर पहले कलकत्ता में एक 3 साल की लड़की का बलात्कार होता है। उस लड़की को बलात्कार करने वाला भी एक मुस्लिम आदमी होता है जो कि एक बस साफ करने वाला क्लीनर होता है। उस पर क्यों नहीं बोले, क्यों अनआइडेंटिफाई इंसान को तुम जबरदस्ती हिंदू बनाने पे टूले हुए? एनडीटीवी का तो धंधा ही हिंदू बनाने का, एनडीटीवी ने तो उसको हिंदू भी नहीं बनाया इस आशिफा वाले मैटर में। और वो लड़की कलकत्ता की जिसके साथ बलात्कार हुआ उसमें तुम एक शब्द नहीं बोलते हो, ये भी छोड़ दो। अंकित सक्सेना को मार दिया गया क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता था और उसको उसकी गर्दन उड़ा दी गई दिल्ली में, तब तुम कुछ नहीं बोली। चंदन के साथ मॉब लिंचिंग हुई मुस्लिम एरिया में, तिरंगा यात्रा निकालने के लिए वो गया था और मुसलमानों ने मिलकर उसको मार दिया, तब तुम कुछ नहीं बोली। गुड़िया का इंसिडेंट शिमला वाला, तब तुम कुछ नहीं बोली। 2 दिन पहले एक लड़की ने सुसाइड किया है क्योंकि वहां का जो लोकल गुंडा था उसका नाम था दानिश खान, उस दानिश खान की वजह से उस लड़की ने सुसाइड किया, तब तुम कुछ नहीं बोली। और 8 साल की आशिफा जिसका बलात्कार हुआ और जिसमें उस बंदे की आइडेंटिटी किसी को नहीं पता है और उसमें तुमने हिंदू नाम लगा दिया, मैं इसमें से कोई अगर वकील देख रहा है ना तो इस बंदी पे केस करो, इस पे केस होना चाहिए, इसको पता चलना चाहिए कि झूठी बात बोलने का क्या परिणाम होता है। फिर शैला को एक सवाल किया गया पढ़ाई लिखाई को लेकर, राहुल कंवल ने कहा कि शैला की पढ़ाई खत्म क्यों नहीं हो रही है, क्यों वो चिपक गई है, क्या जेएनयू की हवाओं में या उस जंगल में उन वादियों में ऐसा उसको क्या मिल रहा है कि वो वहां चिपक के रह गई है। इस पे शैला ने शुरुआत ऐसे करी, बोलने दो हम भी टैक्स देते, जीएसटी हम भी भरते हैं। अब पहली बात तो बेटा तू मेरी सुन ले कि है ना, जेएनयू में 3 वक्त का मुफ्त का खाना तोड़ती हो तुम, सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात का डिनर, ये तीनों टाइम का खाना तुम मुफ्त में ठूस रही हो हम टैक्स पेयर्स की कमाई पर, तो तुमने तो कहीं से जीएसटी पे ही नहीं किया। रहा सवाल गरीबों के जीएसटी पे करने का और तुम अपने आप को एक कश्मीरी गरीब घर की बेटी बताती हो, तो तुम्हारे पेरेंट्स को भी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीएसटी में जो गरीब इंसान खाता है, आटा, चावल, दाल, घी, तेल, चीनी, चाय, दही, दूध, ये सब कुछ टैक्स फ्री किया गया, यहां तक कि कुछ बिस्किटें भी टैक्स फ्री करी गई है ताकि तुम जैसे गरीब लोगों को तकलीफ ना हो। हाँ वो अलग बात है कि शैला रशीद को किसी मॉल में से जाके ब्रांडेड कपड़े खरीदने हैं और फिर इसको जीएसटी देने में तकलीफ हो रही है, तो वो अलग बात है कि शैला रशीद को अपनी कैंटीन का खाना ना खा के किसी 5-स्टार होटल में जाके खाना खाना है और फिर जीएसटी देना है, तो वो बात अलग है। तो फिर तुम गरीबों की कैटेगरी में नहीं आती हो, तो फिर अपनी बकवास अपने पास में रखो। तो ये जीएसटी वाले ताने है ना, किसी ऐसे इंसान के सामने मारना, हम लोगों के सामने तो कतई ये नहीं चलना है। और मास्टरी करके बैठी हूं मैं इन सारे सब्जेक्ट्स में। फिर इस बंदी ने जो इसको असल बात कही गई थी, फिर ये असल बात पे, इसको जीएसटी के नाम पे टोंट मारना था इसलिए इसने टोंट मारा, फिर ये असली बात पे आई। इसने कहा कि 3 से 4 साल में नर्सरी पूरी होती है, मैं डॉट टू डॉट पढ़ रही हूं, 16 साल तक 10 पास करते हैं, 18 साल तक 12वीं पास होती है, 21 साल तक बीए पास होती है, बंदी के का दिमाग देखो आप, 22 साल तक बीटेक होती है, 24 साल तक एमबीबीएस होती है, 26 साल तक एमए होती है, 28 साल तक एमफिल होती है और फिर पीएचडी अगर किसी को करनी है तो 3-4 साल और। मतलब मैं आपको बता दूं कि शैला रशीद की इस वक्त उम्र मेरे ख्याल से 32 या 33 है, ठीक है मेरी और उसकी उम्र में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बट 31 की उम्र में तो मैंने अपने ही पैरों पर, मैंने ना तो अपने
परिवार मायके वालों से कुछ लिया है मैं बता दूं, ना अपने ससुराल वालों से कुछ लिया है, ना ही इनकी तरह मुफ्त की खैरात में मैं पली बड़ी हूँ 12 साल की उम्र में। अब मेरी बात है ना थोड़ी सी यहाँ पे कड़वी जरूर लगेगी शैला रशीद को, तो अब मैं शैला रशीद को इस बात पर जवाब दे दूं। और इसमें शैला रशीद ने ये कहा था कि ये जो एंटी इंटेलेक्चुअल गैंग है, यानी कि हम लोग खुद को इंटेलेक्चुअल समझ रही है ये बंदी, सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल, और हम एंटी इंटेलेक्चुअल गैंग है जो इनकी पढ़ाई के पीछे पड़े। अब बेटा मैं है ना तुम्हारी पढ़ाई के पीछे नहीं पड़ी, मुझे दिक्कत तुम्हारी हरकतों से। इनकी हरकतें पहले आप सुन लो और उसमें फिर मैं आज थोड़ा सा कड़वा बोलूंगी। बेशक शैला रशीद, हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार जैसे मुफ्तखोरों को बुरा भी लगेगा, पर लगे तो मेरी बला से, क्योंकि सच बोलने में तो मैं, जैसे हार्दिक पटेल बोलता है ना कि वो किसी के बाप से नहीं डरता, तो हम लोग भी जब तुम गलत करके किसी के बाप से नहीं डरते हो तो हम सच करके तो बाप के बाप से भी नहीं डरते। तब तुम सुनो इन लोगों को दोस्तों, 75% अटेंडेंस जेएनयू में कंपलसरी कर रहे हैं, उससे दिक्कत है। उसके सामने ये लोग जेएनयू यूनिवर्सिटी के कैंपस में नहीं होते, ये आपको जंतर मंतर पर ज्यादा दिखाई देंगे। ये पढ़ने के बहाने पढ़ाई नहीं करते, ये क्या करते मैं आपको बताती हूँ। शैला रशीद को चाहिए कि 75% अटेंडेंस ना भरे, हम लोगों के पैसों पे वो पढ़ाई करे, पढ़ाई के नाम पर मटर गश्तियां करे, बकायदा बोल रही हूं मैं, जाओ चौड़े में। ये चाहती है कि ये लिव इन रिलेशनशिप वाला जो इनका प्रोटेस्ट है वो चले, मतलब कि ये चाहती है कि पढ़ाई के नाम पर वहां पे पढ़ना वढ़ना तो एक साइड में रहा, जंतर मंतर पर बैठते हैं लिव इन रिलेशनशिप के प्रोटेस्ट करते हैं। फिर इन्होंने किस ऑफ लव प्रोटेस्ट किया, शायद किसी को नहीं पता होगा किस ऑफ लव प्रोटेस्ट किया है। तो किस ऑफ लव प्रोटेस्ट इन्होंने ये किया था कि जितनी भी पब्लिक प्लेस है दिल्ली में, वहां जाके जेएनयू के छात्र और छात्राएं खुले में स्मूच करेंगे। मैं शैला रशीद को यह कहना चाहती हूँ कि बेटा तू हमारी बच्चियों को बिगाड़ रहे हो, तुम्हें अगर स्मूच करना है, मैं तो कहती हूँ स्मूच क्या, तुम खुले में नंगे हो जाओ, पर सबसे पहले अपने घर में जाओ, अपने माँ बाप के सामने, क्योंकि जो तुम दुनिया को दिखाने निकले हो पहले अपने घर में, अपने घर वालों को इकट्ठा करके अपने माँ बाप के सामने तो करो उस लड़के या लड़की के साथ स्मूच। नंगा होके घूमना है तो घर में तो पहले नंगे हो जाओ अपने माँ बाप के सामने, फिर दुनिया में किसी और के पेरेंट्स के सामने अपनी ये गंद लेके जाना। खुद के घर वालों के सामने नहीं करते, इनके घर वाले बहुत छोटे से गांव में बड़ी ही वैसी परिस्थिति में रहते हैं, उनको तो बेचारों को कुछ पता भी नहीं होता है, उनको लगता है बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, हमारे बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, इनके बच्चे पीएचडी नहीं करते। इनके बच्चों को चाहिए खुले में स्मूच करने की छूट, इनके बच्चों को चाहिए खुले में नशा करने की छूट, इनके बच्चों को चाहिए खुले में जेएनयू में आपको ड्रग्स अफीम नशा इतना पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। और इन लोगों की बैग में आपको किताबें नहीं मिलेगी, किताबों से ज्यादा तो इनकी बैग में आपको कॉन्डम्स मिलेंगे। इन लोगों को लिव इन रिलेशनशिप चाहिए, मतलब जेएनयू में क्या है मैं आपको बता देती हूँ, खाना फ्री है, रहना फ्री है, लॉन्ड्री फ्री है, रूम फ्री है, इनको जो रूम जो स्टूडेंट को मिलता है वो रूम फ्री है। तो क्या होता है, खाना पीना रहना सब कुछ फ्री है, रूम में अय्याशियां कर लेते ये लोग, लिव इन रिलेशनशिप मनाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बला से जब तुम्हारे पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है, आपस में तुमको प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें तो कतई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये चाहते हैं कि इनको फिर हम बोले भी ना, और ये पढ़ाई तो कर ही नहीं रहे, इसके अलावा ये सारी हरकतें तो करते हैं, देशद्रोही हरकतें भी करते हैं। इनकी हरकतें होती है कि ये अफजल की बरसी मनाते हैं, ये भारत की बर्बादी के नारे लगाते हैं, ये कश्मीरी शैला रशीद चाहती है कि कश्मीर को आजाद कर दिया जाए। तो बेटा इतनी कश्मीर की आजादी की तुम्हें पड़ी है तो हम हिंदुस्तानियों के पैसों पे क्यों पल रही हो, जाओ ना और पाकिस्तान से पैसे मांगो ना तुम, और करो अपनी पढ़ाई पूरी, हमारे पैसों पर पलते हैं, हमारे टुकड़ों पर पलते हो और हमारे बाप बनने की तुम कोशिश करते हो। तो शैला रशीद तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है, जिस दिन अपनी औकात बना लो ना उस दिन ये बात करना, और तुम्हारी जो ये गंद है ना, पढ़ने जाते ना तो हम लोग सपोर्ट करते, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, पढ़ाई के नाम पे तुम गंद मचाते हो, तुमको चाहिए ये सारी आजादी, समाज में तुम लोग ने पूरी गंद मचा के रखी हुई है, बच्चियों को बिगाड़ के रखा हुआ है, वहां पे जॉब की तरह चिपक गई हो, लीच की तरह तुम चिपक गई हो, और फिर बोलती हो कि हाँ सबको सीट नहीं मिल रही, क्योंकि तुम जैसे लोग सालों से उस सीट को हथिया के बैठे हो, उस पर कब्जा करके बैठे हो, तो जो डिजर्विंग स्टूडेंट है उसको भी सीट नहीं मिलती है। और फिर बड़े चौड़े में होकर ये शैला रशीद ट्वीट करती है कि इसका वाइवा का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है, तो भक्तों हमारी और तुमको इस बार का टैक्स भरना पड़ेगा हमारी फीस के लिए, इतने बेशरम, इतने निकम्मे, इतने निठल्ले। गलती इनकी परवरिश में है कि इनके माँ बाप ने अपनी औलाद को पैदा तो कर लिया पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये कम्युनिस्ट लोग कहते हैं ना, लड़कियां भी दारू पी के टल्ली हो जाओ, लड़के भी दारू पी के टल्ली हो जाओ, बच्चे कहाँ पल रहे हैं, कहाँ बढ़ रहे हैं, बड़े होके ये हार्दिक पटेल, शैला रशीद और कन्हैया कुमार बन जाते हैं।
जिग्नेश मेवानी छूट गया, वो आया नहीं था, इसलिए बेवजह उसका नाम लेकर वक्त बर्बाद करने में मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग है ना, हम जनरल कैटेगरी वाले, सुन लो, बड़ी तकलीफ हो रही है, आज मैं बोल ही देती हूँ। बचपन से है ना हम मेहनत करते, 12 साल की मेरी उम्र थी ना, तब से हमारा संघर्ष शुरू हो गया था। हमने कॉरेस्पॉन्डेंस एग्जाम देके पढ़ाई करी है, हम ट्यूशन की फीस भी हम खुद भरते थे, हमारे स्कूल की फीस भी हम खुद भरते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे हम लोग, और हमारा सारा खर्चा हम खुद उठाते थे। 18 साल की उम्र से काम करने लग गई हूँ, 12 साल की उम्र से संघर्ष शुरू हो गया था। हार्दिक की जितनी उम्र नहीं है ना, 24 साल की, इतना मेरा संघर्ष हो गया है जीवन का। 36 की मेरी उम्र होने आई है, बहुत जल्द मैं 36 कंप्लीट कर लूंगी। तुम्हारी तरह भीख नहीं मांगी, तुम्हारी तरह शॉर्टकट में पैसे नहीं बनाए, पढ़ाई करी और फटाफट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और काम धंधे पे लगे हम लोग। इनफैक्ट ग्रेजुएशन करते करते ही हमने काम धंधा किया था। तुम्हारी तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ी, किसी पे बोझ नहीं बने। क्या कसूर हमारा अगर हमने जनरल कैटेगरी में जन्म ले लिया? बड़ा तुम गालियां बकते हो वहां पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को, हमारा क्या कसूर है कि मेरा क्या कसूर, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो किसने तुम्हें हक दिया गाली देने का? कोई तुम्हें गाली दे देगा तो तुम एट्रोसिटी की केस कर दोगे, और हमें खुलेआम गाली देते हो तो कुछ नहीं। वाह, क्या दोगलापन है तुम लोगों का। तुम जैसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबने के लायक भी नहीं हो, उसमें मरने के लायक भी नहीं है तुम लोग। अब आज को जोड़ते हुए, ये तीनों अंदर के अंदर एक, तीनों कांग्रेस की ही चाटुकारिता कर रहे थे उसमें, और शैला तो हार्दिक की इतनी वकालत कर रही थी, कि जैसे मतलब कि राहुल कंवल और शैला के जैसे कुछ ज्यादा ही करीब लग रहा था मुझे हार्दिक पटेल। खैर एनीवेज, इनके रिश्ते ये जाने। इसी बात के संदर्भ में हार्दिक की बात जोड़ते हुए शैला कहती है कि पीएम क्यों दाओस में नीरव मोदी को मिले। फिर इसी बात में उसने ये कहा कि अगर हार्दिक राहुल से मिलता है तो दिक्कत क्या है, राहुल गांधी कोई टेररिस्ट तो है नहीं। साथ में शैला ने किसान आंदोलन की बात की, तो पहले किसान आंदोलन पे तो बोल दूं कि भैया किसान आंदोलन महाराष्ट्र का टॉपिक है, महाराष्ट्र की सरकार जाने, और मेरे ख्याल से वो निपट भी गया है। लेकिन किसान आंदोलन क्यों भाजपा के स्टेट में हो रहे सब जान रहे, और क्यों वो महाराष्ट्रियन जितने भी वो किसान जो महाराष्ट्र में गए थे सबके हाथ में लाल सलाम वालों का झंडा क्यों था वो भी समझ में आ रहा था, कौन उनको फंड प्रोवाइड कर रहा था वो भी समझ में आ रहा था, और ये सब कहां से हो रहा था वो भी समझ। तो इसमें तो मेरा मुंह खुलवा ही मत, और इस सब्जेक्ट में मुझे जाना भी नहीं है। बट मैं इसको बता दूं शीला कि क्या तुम पाटीदार अनामत आंदोलन समिति की प्रवक्ता हो कि हार्दिक के बिहाफ में तुम हार्दिक की वकालत कर रही हो, कि हार्दिक को ये सवाल पूछ रहे हो तो नरेंद्र मोदी क्यों नीरव मोदी से मिला, या हार्दिक की बहन पे क्यों सवाल कर रहे हो, या हार्दिक अगर राहुल से मिल लेता तो क्या कोई टेररिस्ट है? मिल गया तो मिल गया। तो मैं शैला को बोल देती हूँ कि बहन तुम प्रवक्ता हो पास अनामत आंदोलन समिति की, तो या तो अपने आपको प्रवक्ता घोषित कर दो, क्योंकि तुम तो कांग्रेस की भी वकालत कर रही हो, तुम अब ये पाटीदारों की भी वकालत कर रही हो, तुम अपने आपको कम्युनिस्ट कहती हो, लेफ्ट विंग की कहती हो, पर तुमने अभी तक कम्युनिस्ट की तो कहीं थ्रू आउट बात ही नहीं रखी, और तुमने इन लोगों की बात रखी, तो यहाँ पे भी तुम्हारा चाल चरित्र चेहरा समझ में आ रहा है। और इसी संदर्भ में मैं नीरव मोदी पे आती हूँ। इसने तीन सवाल करे, ये तीन सवाल शैला ने अपने ट्विटर आईडी पे भी डाले कि भक्तों इसका जवाब सुन लो, तो अब ये भक्तनी का जवाब सुन ले शैला रशीद। इसने पहला सवाल किया था पीएम मोदी दावस में क्यों नीरव मोदी से मिले थे, तो सुनो तुम्हारे पहला सवाल का जवाब कि पीएम मोदी दावस में गए थे, वहां पे वहां की सरकार ने इंडियन बिजनेसमैन को इनवाइट किया था, पीएम मोदी को तो पता भी नहीं था, और मोर ओवर वो जनवरी का किस्सा है, जनवरी के स्टार्टिंग का, जब शायद पता भी नहीं था कि ये नीरव मोदी वाला कांड तो तब खुला भी नहीं था, और नरेंद्र मोदी की कोई जैसे तुम्हारे पूर्व प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह, उनकी जैसे यासीन मलिक के साथ गले लगते हुए हाथ मिलते हुए जो तस्वीरें हैं, ऐसी नरेंद्र मोदी की तस्वीर है क्या उस नीरव मोदी के साथ में? नरेंद्र मोदी आगे बैठे, वो लाइन में कहीं किसी और खड़ा है, और उसको तुम कनेक्ट कर रहे हो, तो क्या मोदी को पहली बात तो पता भी नहीं था, दूसरी बात पता होगा तो क्या वहां पे इंटरनेशनल जगह कहीं खड़े हैं वहां पे क्या लात मार के इंडियंस की बेइज्जती करेंगे? और तीसरी बात कि ये नीरव मोदी वाला कांड तब तक खुला भी नहीं था, तब तक किसी को पता भी नहीं था, तब तक ये एक्सपोज ही नहीं हुआ था, वो उसके बाद में हुआ है, 2-3 हफ्तों के बाद 3-4 हफ्तों के बाद में। तो ये भी इसमें भी कतई है ना, मैं ये बकवास तो तुम्हारी मानने वाली नहीं हूँ। बहुत सारे लोग ये नीरव मोदी नरेंद्र मोदी वाले, तो मेरे ख्याल से आज मैंने जवाब दे दिया इन लोगों को। और क्योंकि मनमोहन सिंह यासीन मलिक के साथ दिखा है, प्रधानमंत्री की तो एक भी तस्वीर नहीं है नीरव मोदी से गले लगते हुए या नीरव मोदी से हाथ मिलाते हुए, लेकिन मनमोहन सिंह की डेफिनेटली तस्वीर है यासीन मलिक से हाथ मिलाते हुए, उस यासीन मलिक से जो हाफिज सईद की पैरवी करता है, वो यासीन मलिक जिसको अभी पाकिस्तान अपने यहाँ पे जो नेशनल डे है उसमें इनवाइट किया इन अलगाववादियों को, उस यासीन मलिक के साथ में। तो तुम पहले इसका जवाब दो। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन था योगी जी सुनील जोशी से क्यों मिले।
अब इसकी भी बात सुन लो, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा ये सुनील जोशी बाबा वाला मैटर क्या है, लेकिन मैं अब शॉर्ट में बता दूं कि 2007 में किसी एक योगी जी 2007 में एमपी थे, पहली बात तो मैं बता दूं वो उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं थे, पर अब योगी जी मुख्यमंत्री है इसलिए वो उस बात को कनेक्ट कर रही है। तो बहन यहाँ पे है ना, तुम्हारी तरह हम लोग है ना घास फूस नहीं, मतलब ये मुफ्त के टुकड़े हमने नहीं खाए, हमने हमारी मेहनत की कमाई खाई है ना, इसलिए हमारा दिमाग ज्यादा चलता है। तो मुफ्त के टुकड़ों पे पली हो ना, इसलिए तुम्हारा दिमाग है ना बिल्कुल ढक्कन है, ढक्कन दो टके की तुम में अक्कल नहीं है। पर अब तुम सुन ही लो कि सुनील जोशी मतलब उसका क्या हुआ, वो अजमेर ब्लास्ट में क्या था, वो विक्टिम उसमें आया भी नहीं, उसका नाम नहीं था हवाओं में, उसका नाम उड़ा होगा, आई डोंट नो, जो भी है ठीक है। सुनील जोशी के किसी करीबी ने ये कहा होगी, उसको कोई योगी जी से प्रॉब्लम, उसके करीबी ने ये कहा कि एक गुप्त मीटिंग हुई थी जिसमें सुनील जोशी योगी जी से मिले थे। तो कल को तो कोई ये कह देगा कि काजल दाऊद इब्राहिम से मिली है तो क्या मान लोगे, प्रूफ बताओ ना, फोटो है तुम्हारे पास में, तुम्हारे पास में कोई वीडियो क्लिप है, ऐसे तो कोई भी कह देगा किसी के साथ में, ऐसे तो कह दोगे कि मोदी जी और इसका हफीज सईद का याराना है तो क्या मान लेंगे हम लोग, हर चीज के पुख्ता सबूत रखो, हवा में बातें मत करो। तो ये तुमको सुनील जोशी वाली बात पे मैंने जवाब दे दिया। तीसरी बात तुमने कही कि बीजेपी को लिव इन रिलेशनशिप के अगेंस्ट क्यों है, तो क्या आज तक कभी मोदी जी लिव इन रिलेशनशिप पर एक भी टिप्पणी करी है? बीजेपी में करोड़ों कार्यकर्ता है, सबके दिमाग जरूरी नहीं है एक जैसे चले, होगी किसी को प्रॉब्लम किसी को नहीं है, मेरी कंडीशन वाइज प्रॉब्लम है कि शादीशुदा है और लिव इन में रहता है तो मुझे प्रॉब्लम है, डिवोर्स दिए बिना, और कुंवारा है, लड़के लड़कियां दोनों व्यस्त है और उनके पेरेंट्स को तकलीफ नहीं है, तो लिव इन में क्या मर जाए, लिव इन में रह के हमें क्या लेना देना भाई, हमें क्या मतलब है, और तुम वहां बड़ी लिविंग में रह रही हो, हमारे पैसों पे पल रही हो, परिवार गरीब है तुम्हारा, खाने तीन टाइम का मुफ्त का तो रोटी तोड़ रही हो, जीएसटी भी नहीं दे रही हो, तुम बोल रही हो ना तुम जीएसटी पे कर रही हो, कोई जीएसटी पे नहीं कर रही हो, मुफ्त के टुकड़े तोड़ रही हो, हम वहां पे जॉब की तरह लीच की तरह तुम चिपक गई हो, वो कुर्सी खाली नहीं करती हो, तुम्हें लिविंग में रहना है, तुम्हें खुले में स्मूच करना है, तुम पढ़ने गई हो या ये सब करने गई हो, अरे जिसको अपने परिवार की पड़ी होती है ना, जो गरीब घर से आता है ना, वो मेहनत करता है, मजदूरी करता है और अपने घर वालों का पेट पालता है, तो मुफ्त खोरों की तरह नहीं बैठता है, बकवास औरत। एक औरत होने के नाते मुझे किसी को इस तरह से बोलना, और ये जो शीला रशीद हर गहरे मुद्दे पर जो ये हा 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 जोर जोर से हंस रही थी ना, एक्चुअली शीला रशीद तुम्हें ना इतनी बुरी लग रही थी, तुम इतनी मत हंसो कि लोग तुम्हें भी रेणुका चौधरी बोलने लग जाए और तुम्हारा भी उस तरह से अपमान हो जाए जैसा रेणुका चौधरी का पार्लियामेंट में हुआ था, और तुम्हें भी कोई वो मतलब उसकी रामायण की याद दिला दे और कोई रामायण का तुम्हें पात्र समझ बैठे, तो इतना मत हंसा करो, बड़ी बुरी लगती हो जब जो मौका हो ना और जिस पर जो गंभीर विषय पे जब चर्चा होती है ना, तो ये जो पागलों की तरह हंसती हो ना, बड़ी बुरी लगती हो, रेणुका चौधरी हो तुम दूसरी, और दोस्तों इसको आपसे रेणुका चौधरी ही बोलना तब इसको पता चलेगा। फिर इसी में इसको एक जवाब जब हार्दिक पटेल से पूछा गया कि एला कहती है कि इनकी लेफ्ट आइडियोलॉजी जो कहीं भी नहीं रही, लुप्त हो गई है, तो इसमें ये खुद का आत्मनिरीक्षण नहीं कर रहे कि खुद क्यों लुप्त हो गए हैं, बल्कि ये आरएसएस पे फाड़ रही है बिल, ये कह रही है कि आरएसएस ने तो गलत फायदा उठाया है, देश में कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन नहीं था तो जगह जगह आरएसएस ने अपनी शाखाएं खोली, स्कूल खोली और बच्चों को पढ़ाया। तो भाई अगर देश में स्कूल नहीं था तो 70 साल किसने राज किया, जाके तुम नेहरू से लड़ो, नेहरू गांधी परिवार से लड़ो, और रहा सवाल शाखा में ज्वाइन होने का, तो आरएसएस वाले तुम लोग जैसे खींच खींच के ले जाके, जैसे पश्चिम बंगाल में धर्म परिवर्तन करवा रहे हो, जैसे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ गया, या जैसे केरला में तुमने करा, या जैसे यूपी के बहुत सारे स्टेट्स में धर्म परिवर्तन हुए, या तुम्हें ऐसा लगता है कि केरल में जो हो रहा है या कर्नाटक में जो हो रहा है ऐसा जबरदस्ती शाखा वालों ने किसी के धर्म परिवर्तन करवाए है, या शाखा वालों ने किसी को जबरदस्ती से उठाकर शाखा में बिठा दिया कि आओ और अपने मदरसे में ना जाकर पढ़कर हमारे शाखा में आके पढ़ो, ऐसी दोगली बातें करती हो तुम, बेवकूफ गवार ढक्कन हो तुम, एक नंबर की पीएचडी कर रही हो, दो टक्के की अक्ल नहीं है, 33 की तुम्हारी उम्र हो गई है फिर भी तुम्हारा नॉलेज जीरो, तुमसे साल दो साल से ज्यादा मैं बड़ी नहीं हूं, पर तुम जैसी है ना, मतलब बेतु की बातें तो मैं भी नहीं करती हूं, मेरा बच्चा भी नहीं करता, मेरा 12 साल का बच्चा तुमसे ज्यादा मैच्योर है, बेवकूफ, पीएचडी नहीं करी है, रंग रेलिया मनाई है तुमने जेएनयू में, तुम लोगों ने थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दिया होता ना तो दिमाग चलता, तुम्हारी ये कम्युनिस्ट थ्योरी तुम्हारे पास में रखो। और फिर एंड में ना एक होकर, मतलब अब फिर ये एंड में ये लोग कहते हैं कन्हैया और शैला के सारी ऑपोजिशन को एक होना पड़ेगा मोदी के खिलाफ, खुद की विचारधारा, लेफ्ट विचारधारा लुप्त हो रही है उस पर बात नहीं कर रही है, उसमें कह रही है कि सारी कन्हैया और शैला कहते हैं कि सारे ऑपोजिशन को एक होना पड़ेगा और एक होकर मोदी के खिलाफ करना पड़ेगा हमें, तो
तो तुम 2019 में एक हो जाना, पर इतना याद रखना कि तुम सारे एक भी हो जाओगे ना, पर 2019 में और मेजोरिटी लेकर मोदी सरकार आएगी और राज्यसभा में भी आके तुम लोगों को तुम्हारी औकात, तुम्हारी जगह ना याद दिला दी ना, तो तुम देख लेना। मुझे लगता है कि ये जो सड़क की लड़ाई की बात करे, तो ये इसने कन्हैया ने कहा था कि अब सड़क पर आकर हमें लड़ना पड़ेगा, तो तुम आके देख लो हम भी आएंगे। अगर अब हमारे साथ कोई अन्याय और कुछ गलत किया ना, तो अब कतई नहीं होने देंगे और हम भी सड़कों पर आएंगे। तुमने अभी देखा नहीं है, मेजोरिटी कहते हो ना, तो अब देख लेना तुम मेजोरिटी की ताकत। और मुझे लगता है मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट